तो दोस्तों अभी मैं बैठा हूँ अपने तरबूज के प्लॉट में, जिसको करीब एक महीने पहले यानी 3-4 तारीख को सीड सोविंग किया था इसका हमने। और अभी आपको इस वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा कि इसका जर्मिनेशन कैसा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और अब तक इसमें हमने क्या क्या डाला है वो भी मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो कम्प्लीट देखिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो आपको सही जानकारी के साथ मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इस तरबूज की बुआई हमने जो सीड सोविंग किया था वो किया था लगभग 4 जनवरी को किया था। और 4 जनवरी को सीड सोविंग करने के बाद में आप लोगों को भी पता है काफ़ी टेम्परेचर गिरे थे और सर्दी काफ़ी बढ़ गई थी, पाला भी गिरा था। और उसके बाद 22-23 तारीख को लगभग बारिश भी काफ़ी हमें देखने को मिली थी। और इसके बावजूद हमारे जो तरबूज है उसका जो जर्मिनेशन है वो आपको मैं आगे भी दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छी जर्मिनेशन रेट इसमें हमें मिली, करीब 99% आप मान सकते हैं। कोई बाय द वे होल आपको खाली मिलेगा, बाकी कहीं पे भी आपको कोई होल खाली नहीं मिलेगा। इस तरह से इसका जो जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छा हमें मिला है। और जो तरबूज की ग्रोथ है दोस्तों वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। इसमें हमने अभी तक क्या क्या किया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इसका थोड़ा सा मैं जर्मिनेशन के बारे में जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों इस बीज की बुआई से पहले हमने इसको करीब 12 से 13 घंटे के लिए भिगो दिया था। पहले दिन जैसे पहले लगाएंगे उससे एक दिन पहले पहली सुबह को इसको हमने भिगो दिया था पानी के अंदर। और उसके बाद में करीब 10-12 घंटे तक ये भीगता रहा बीज। और उसके बाद में हमने इसको किसी कपड़े में बांध के और किसी ऐसी हीट वाली जगह पे रख दिया था, दबा दिया था मतलब कहीं पे। और उसके बाद करीब 14-15 घंटे इसको दबा के रखा और उसके बाद में इसकी हमने सीड सोविंग की। तो मतलब इतना ख़राब मौसम रहने के बावजूद भी हमें इसका जर्मिनेशन है वो काफ़ी अच्छा मिला। क्योंकि दोस्तों उस समय मेरे पास किसान भाइयों के काफ़ी कॉल, व्हाट्सएप वगैरह कमेंट्स आ रहे थे कि उस समय काफ़ी दिक्कत चल रही थी और अब भी काफ़ी दिक्कत बनी हुई है, जो ये जड़ गलन और जो आपका कॉलर रोट की समस्या है ये किसान भाइयों को बहुत परेशान करती है। और उसके चलते दोस्तों हमने बिना रिस्क लिए कोई अच्छा फंगीसाइड इसको जड़ों के द्वारा देने का निर्णय लिया। तो दोस्तों फंगीसाइड की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें हमने धानुका कंपनी का धानुस्टीन दिया था, जिसके अंदर कार्बनडाजिम होता है 50%, वो यहाँ पे हमने काम में लिया था। और उसको हमने ड्रिप के माध्यम से दिया था। फंगीसाइड आप ड्रिप के माध्यम से भी दे सकते हैं, अगर हमें जड़ों में ही देना है तो बेहतर होगा। जड़ के प्रॉब्लम के लिए अगर हम डाल रहे हैं तो या तो आप ड्रेंचिंग विधि से डालें और या आप उसमें ड्रिप के द्वारा देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। मात्रा रखी थी हमने इसमें ड्रिप के माध्यम से करीब 500 ग्राम रखी थी एक एकड़ के हिसाब से। तो इस तरह से आप अगर कॉलर रोट या जड़ गलन की समस्या आती है तो आप कार्बन डाइजिम 50% में जो आता है वो आप धानुका या कोई और जो भी आपको मिल जाए वो आप कार्बन डाइजिम काम में ले सकते हैं उसका 50% में। और दोस्तों अगर आपको कार्बन डाइजिम 50% में नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे दूसरा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी काम में ले सकते हैं, ये भी एक सटीक फंगीसाइड है। इसके लिए भी आप धानुका का धानु कोप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, वो भी 50% में आता है, वो यहाँ पे आप काम में ले सकते हैं। अगर आपके पास कार्बन डाइजिम आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर आप धानुका कंपनी का धानु कोप काम में ले सकते हैं, जिसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% आता है। ये भी आपको ड्रिप के माध्यम से देना है और इसकी जो खुराक है वो भी आपको जो अगर जड़ में डाल रहे हैं तो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ही रखनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।